जय माता दी दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे उपाय दिखाते हैं जो आपकी परेशानियों को खत्म करने का काम करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसा ही वशीकरण का एक और उपाय, जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर पाएंगे। ये बेहद आसान है, इसके लिए आपको किसी कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, बिना किसी सामग्री के ही आप इस उपाय को कर पाएंगे दोस्तों। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस की अपडेट तुरंत मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी महिला को अपने वश में करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक काम करना है, वो भी सोते समय। सोते समय आपको ये उपाय करना है। ये उपाय इतनी जल्दी काम करता है कि अगली सुबह ही वो महिला आपके वश में होगी। जी हाँ, महिला हो, कोई आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड हो जो आपसे नाराज हो गई हो, या फिर कोई ऐसी लड़की जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक तरफा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसे आप अपने मन की बात नहीं बता पा रहे, तो दोस्तों वो महिला कोई भी हो सकती है। आपकी पुरानी प्रेमिका हो सकती है, आपके कॉलेज में पढ़ने वाली कोई लड़की हो सकती है, या आपके ऑफिस में काम करने वाली कोई आपकी सहकर्मी हो सकती है। आप किसी को भी इस वशीकरण के द्वारा अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये उपाय सोमवार और शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये सोने से पहले करना है और उसके बाद आपको कोई भी काम नहीं करना है, यानी कि आपको बिस्तर छोड़कर कहीं और नहीं जाना है। तो पूरी तरह से तैयारी के साथ जब आप फ्रेश हो जाएं, नहा लें, अच्छे कपड़े पहन लें, स्वच्छ कपड़े आपको पहनने हैं दोस्तों, और उसके बाद आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको उस लड़की का नाम पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये उपाय जब करना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कोई देखे ना इसे करते हो, कोई आपके आपसे इस बारे में ना पूछे कि क्या कर रहे हो। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको अपनी नाभि पर हाथ रखना है और उसके बाद आपको उस महिला का नाम लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब आप इस मंत्र का उच्चारण कर रहे होंगे तो उसमें आपको उस लड़की का नाम भी बोलना है। मंत्र है ओम कामदेवाय वश्यम अमुकम कुरु कुरु स्वाहा। अमुकम की जगह पर आपको उस लड़की का नाम बोलना है दोस्तों, और उस लड़की की ये जो मंत्र है ये आपको नाम बोलते बोलते आपको 108 बार बोलना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये मंत्र जब आप बोल रहे होंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ उस लड़की की शक्ल आनी चाहिए। आपको पूरी तरह से ध्यान लगाकर उस व्यक्ति के बारे में सोचना है, उस लड़की के बारे में सोचना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। और यकीन मानिए, मात्र जैसे ही आप इस मंत्र को करेंगे, अगली सुबह ही उस लड़की का आपके पास फोन आएगा, या तो वो लड़की खुद आपके पास मिलने चली आएगी। दोस्तों, इस मंत्र का इतना ज्यादा पावरफुल है ये मंत्र कि ये आपको तुरंत आपके प्रेमी से मिलवा देता है। आपका प्रेमी आपके लिए तड़पने लगेगा, आपसे मिलने के लिए वो हर पल तड़पेगा और आपको कॉल करेगा, मिलने के लिए समय मांगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका अगर कोई सवाल है तो हमारे वीडियो की स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमसे आप उन सवालों के जवाब ले सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।